हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग परसेंटेज का डे 7 पढ़ने वाले हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों को 42 तक बता दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 43 क्या होगा? एक्स स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी His salary increased by 20% if his salary is increased by 20% and the expenditure and his expenditure is increased by 15%, then find the increased sale, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है कि एक्स जो है अपना सैलरी का 75% खर्च करता है। स्पेंड्स मतलब खर्च करना, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक्सपेंडिचर। अगर वो सैलरी इंक्रीज करता है 20% से और एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज करता है 15% से, तो हमें पता करना है कि इसके बाद सेविंग कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। सेविंग परसेंट में इंक्रीज करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला। एक होता है इनकम जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग स्पेंड बोलते हैं, और एक होता है सेविंग्स, यही होता है, ठीक है। हम बताया था क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग होता है। चलिए हम इस पे आते हैं। कितना खर्च करता है 75% खर्च करता है। 75% कहने का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। तो इसका मतलब कि इन टोटल इनकम 4 है, इसमें से कितना खर्च करता है, 3 खर्च कर देता है। सेविंग क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, 4-3 क्या 1। अब क्या बोला कि सैलरी में 20% इंक्रीमेंट होता है, 20% इंक्रीमेंट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 × 6/5। क्यों, 20% इंक्रीमेंट हुआ कि 20 का मतलब 1/5, ये 5 में एक इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 6/5, यही होगा, इंक्रीमेंट इतना हुआ। तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट इतना हुआ, हम देखेंगे क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, हमें क्या चाहिए, होल नंबर में चाहिए। होल नंबर में चाहिए तो हम क्या बताए थे आपको, 10 खुद से इधर बैठा दिए रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, 10 कहने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 होता है। 10 हम किसी भी चीज़ से अगर रेशियो में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का तो उसका रेशियो सेम आएगा, ठीक है। हम बताए थे पहले ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब करवाए थे उसी टाइम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ 4 नहीं, अब क्या हो जाएगा 40, अब देखिए कट जाएगा 5/8 या 40, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, 8/6 का कितना हो गया 48, ये आ गया इनकम, बढ़ा हुआ। उसके बाद क्या बोला, ये बिफोर था, ये क्या था आफ्टर। इसके बाद क्या बोला कि उसका एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ता है, कहने का मतलब पहले कितना था 30, अब इसका 15% बढ़ेगा, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 30 था, कितना हो जाएगा 3/20 होता है 15%, तो इंटू 23
बाई 20 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, अभी फ्रैक्शन में आ रहा है। अब अगर आप चाहो तो क्या करो, एक और जीरो बैठा सकते हो, लेकिन नहीं बैठाना है। क्यों नहीं बैठाना है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर लेने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड ज़्यादा बड़ा को करना पड़ेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 23 दिया 69, 23 दिया 69 बाई 2, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, सेविंग कितना बढ़ेगा, अब इससे इसको माइनस करेंगे हो जाएगा। अब इसको रेशियो में बनाते हैं, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, हम हमेशा कहते आए हैं। तो इधर मल्टीप्लाई 2 होगा, इधर भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 गया 69, यही है। तो रेशियो में क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग, तो सेविंग हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो 96 माइनस 69 क्या हो जाएगा 7, और 8 में 6 गया 2, इतना हो जाएगा। इंक्रीमेंट हम देखेंगे कितना हो गया, कितना बढ़ गया, प्लस 17 हो गया, 17 ये क्या बोलते हैं, सेविंग्स कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। हमें परसेंटेज में लिखना है, तो 17 बाई क्या, जिस चीज़ से बढ़ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, नीचे 10 छोटा वाला, अगर बढ़ रहा है तो छोटा वाला लिखते हैं, हम बताए थे, और घटता तो हम बड़ा वाला लिखते हैं नीचे में, इंटू 100, इतना हो जाएगा, 10 से एक जीरो गया, इतना हो जाएगा हमारा 70%। इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 170%, ये एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग्स बढ़ जाएगा। चलिए, ये था आज का पहला क्वेश्चन और परसेंटेज का 45वां क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, द सैलरी ऑफ राम एंड मोहन टुगेदर इज 20,000। ठीक है, राम स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी ऑफ हिज सैलरी एंड मोहन 95% ऑफ हिज। ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, सेम देन फाइंड द सैलरी ऑफ मोहन। चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। जो सैलरी है राम और मोहन का वो क्या है, 20,000 रुपए है दोनों मिला के। ठीक है, राम स्पेंड करता है 85% अपना सैलरी का एंड मोहन स्पेंड करता है 95% अपना सैलरी का। तो अगर बोला जाए कि सेविंग दोनों का सेम है तो पूछा जा रहा है मोहन का सैलरी क्या होगा। सैलरी मतलब क्या होता है, इनकम। ठीक है, फिर क्या है, एक्सपेंडिचर होता है और एक क्या होता है, सेविंग होता है। राम के बारे में क्या बोला गया, राम के बारे में क्या बोला गया कि 85% खर्च करता है। 85% कहने का मतलब कितना खर्च किया, 17 बाई 20। तो इनकम क्या हो जाएगा हमारा, 85% कैसे निकालेंगे, 85% का मतलब 85 बाई 100 होगा 17 20।
तो क्या राम हो जाएगा 20 खर्च किया, सॉरी टोटल 20 इनकम था, एक्सपेंडिचर क्या होगा, खर्च क्या होगा इसका 17 खर्च किया, सेविंग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्यों, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। चलिए अब मोहन के बारे में जानते हैं क्या बोलता है कि ये 95% खर्च किया, कहने का मतलब कि 19/20 इसी तरह से निकालेंगे तो 20 हमारा इनकम हो जाएगा, खर्च कितना किया 19 और उसके बाद इसमें सेव कितना हो रहा है 20-19 कितना 1 ठीक है। इसके आगे बोलता है कि नहीं दोनों का सेविंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ठीक है। हम क्या देख रहे हैं सेविंग इधर 3 है इधर 1 है, सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो कितना हो जाएगा ये 3, ये पहले से 3 था तो आ जाएगा सेम, और हम जानते हैं इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमें रेशियो में सारे के सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, इसमें किए इसमें किए ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 60, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 57 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 यही। इसके आगे देखते हैं क्या बोलता है कि देन फाइंड द सैलरी ऑफ मोहन ठीक है, हमारा टुगेदर टोटल सैलरी कितना दिया राम और मोहन का 20,000, देयरफॉर ऑफ मोहन क्या हो जाएगा, एक रियल वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 20,000, वो क्या चीज दिया है टोटल सैलरी दोनों का मिला के, इट मीन्स हम देखेंगे दोनों का मिला के सैलरी क्या है, इनकम क्या है 20+60 क्या हो गया हमारा 80 और इनटू आस्क पूछा क्या जा रहा है सैलरी ऑफ मोहन, तो मोहन का सैलरी क्या है हमारा ये राम का 20 मोहन का 60 ये आ जाएगा 60 ठीक है। 10 से 10 गया, 8 से कितना बार में जाएगा 8 2 16 8 5 40 1 2 इतना बार में जाएगा, हम क्या करेंगे 25 6 का कितना 150 पे 20 ये क्या आ जाएगा हमारा मोहन का सैलरी, राम का पूछा जाता तो क्या करते वहां आस्क में क्या लिखते 20 तो 20 25 कितना हो जाएगा 5000 हो जाता वहां पे। चलिए हमें पूछा गया मोहन का, चलिए मोहन का बना दिए, अब आगे बढ़ते हैं अगर आप शुरू से वीडियोस हमारे देख रहे हैं तो इतना श्योर रखिए कि अब तक हमने जितना भी फॉर्मूला बताया बस एक फॉर्मूला बताया और जिससे सारा का सारा सॉल्यूशन हो रहा है ठीक है, नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लो, रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट किया था हमने। चलो क्वेश्चन 45 आते हैं, क्या बोलता है 25% ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए, 25% ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी ठीक है। मंथली प्रॉफिट ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली प्रॉफिट ऑफ सी, ऑफ बी इज इक्वल टू इज 40% ऑफ मंथली प्रॉफिट ऑफ सी ठीक है। इफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए इज ₹96,000 then what is the profit of B? annually
आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है कि जो 25% एनुअल प्रॉफिट है ए का, वो बराबर है क्या 80% एनुअल प्रॉफिट बी का। अब मंथली प्रॉफिट क्या होता है बी का, 40% है मंथली प्रॉफिट सी का, ठीक है। अगर एनुअल प्रॉफिट ए का 96,000 रुपए है तो बी का एनुअल प्रॉफिट क्या होगा। चलिए आइए बनाते हैं सॉल्यूशन पे। ए एंड बी एंड एक और क्या दिया हुआ है सी, ठीक है, सी को बाद में लिखते हैं। ए और बी का क्या दिया है, एनुअल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, कहा कि 25% ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट 80% ऑफ बी, यही है। तो हम क्या बोले कि अगर इसका रेशियो लाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं या फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं इक्वल के केस में क्या लिखते हैं जीरो लिखते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। हम क्रॉस करते हैं डायरेक्ट, उतना करने से जीरो से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट क्रॉस ही होगा। अगर क्रॉस करते तो यहाँ क्या हो जाएगा 80, यहाँ क्या हो जाएगा 25%, ये 80%, ये 25% क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट गया 16 बार में 5 से 25, 5 बार में 5 से, इट मीन्स क्या आ जाएगा 16:5 आ जाएगा। ए रेशियो भी हमारा प्रॉफिट क्या आ गया 16:5, ठीक है। अब क्या होगा, बोल रहा है ये एनुअली था, अब मंथली प्रॉफिट बोल रहा है, मंथली प्रॉफिट किसका किसका बोल रहा है, बी इज 40% ऑफ सी। एक और क्या आया अब सी, 40% कहने का मतलब जब इक्वल के केस में होता है तो हमें क्रॉस करना पड़ता है, और इक्वल के केस में नहीं डायरेक्ट परसेंटेज या फ्रैक्शन फॉर्म में देता है तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो क्या बोले 40% ऑफ मंथली प्रॉफिट ऑफ सी, कहने का मतलब 40 का मतलब हम क्या कर जानते हैं 40% इज इक्वल्स टू व्हाट 2/5, इट मींस ए बी कितना हो जाएगा 2 और सी कितना हो जाएगा 5, यही होगा मंथली प्रॉफिट। अब एक बात ध्यान देने लायक है, क्या बात कि अगर मंथली प्रॉफिट इतना है 2/5, मंथली प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2:5, तो एनुअल प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, क्योंकि हमें तो बी तो एनुअल ही चल रहा है यहाँ पे ए इज टू बी, तो हमें बी इज टू सी भी एनुअली करना पड़ेगा, तब ए इज टू बी इज टू सी क्या आ जाएगा एनुअली आ जाएगा। तो इसको एनुअली प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, अगर एनुअली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वन मंथ का एनुअल में कितना होता है 8:12, इधर भी 8:12 रेशियो निकालना है, तो क्या इधर से 12 कटेगा इधर से 12 कटेगा, रेशियो क्या आएगा सेम आएगा ना, बस ये रेशियो क्या हो गया हमारा सेम हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। अब हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले तो कैसे निकालेंगे, हम क्या बताए थे इधर क्या लिखते हैं लेफ्ट वाला के लेफ्ट में लेफ्ट लिखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो टॉपिक याद कीजिए, इधर राइट वाला का राइट क्या लिखते हैं राइट वाला लिखते हैं 5, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा 16:32 रेशियो 5:10 रेशियो 5:25, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये एनुअली आ गया, मंथली प्रॉफिट हो चाहे एनुअली प्रॉफिट हो रेशियो क्या आ गया हमारा एनुअली इतना आ गया, ठीक है। अब बोला क्या अगर ए का ये क्या आ गया एनुअली लिख देते हैं, ये एनुअली आ गया। अब क्या बोला कि फाइंड क्या करना है प्रॉफिट ऑफ, हमारा रेशियो निकल गया तो हम सीधा फाइंड पे जाएंगे व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बी एनुअली, एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एक रियल वैल्यू ढूंढते हैं क्या दिया हुआ है 96,000 होल बाय क्या हो जाएगा, ये क्या चीज का दिया है ए का एनुअल प्रॉफिट दिया है, हम ए का एनुअल प्रॉफिट देख रहे हैं कितना है 32 इनटू आस पूछा क्या गया एनुअल प्रॉफिट ए मतलब क्या हो गया एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी, एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी ठीक है क्या हो जाएगा बी का कितना था 10 आस्क में क्या है 10 32 3 96 एडमिन कितना हो गया 3 × 3 पे 1 2 3 4 जीरो इतना हो गया एनुअल प्रॉफिट क्या आ गया सी बी का आरएस 30,000 ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, इन अ गार्डन द प्राइस ऑफ ईच फ्लावर इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 2:25। ठीक है, आगे क्या बोलता है, बट द नंबर ऑफ बायर्स इज डिक्रीज्ड बाई, बट द नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज बाई 26/3%। ठीक है, द नेट इफेक्ट इन सैलरीज, सॉरी इतना, द नेट इफेक्ट ऑन माइंड इज 1%। ठीक है, चलिए आते हैं समझते हैं क्या बोलता है कि एक गार्डन में जो फूल है उनका प्राइस क्या हो गया, 22:25 से इंक्रीज कर गया, और जो नंबर था खरीदार का जो खरीदते हैं वो क्या हो गया, घट गया कितना, 26/3% से। ठीक है, तो उनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा खरीदारी में। ठीक है, आइए देखते हैं पहला चीज क्या है हमारा, प्राइस कितना हो गया बिफोर, प्राइस कितना हो गया, चलिए क्या लिखते हैं, बिफोर रेशियो आफ्टर। ठीक है, प्राइस में क्या डिफरेंस हो गया, 22:25 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और बायर, बायर्स क्या हो गया, कितना डिक्रीज कर गया, 26/3 से डिक्रीज कर गया, तो कितना डिक्रीज किया, 26/3 कितना, 78+2 80/3%। 80/3% कहने का मतलब क्या, 80/3 into 100 इट मींस व्हाट, 4/15। पहले अगर 4 था उसमें से क्या हो गया, 15 था उसमें से क्या हो गया, 4 निकल गया मतलब कम हो गया, तो पहले कितना था, 15 था, 4 कम हो गया तो क्या कितना बचा, 11 इतना बचा। अब हमें चाहिए कि नेट इफेक्ट क्या होगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 22 into 15 क्या होगा, 15 2 30 और 3 33। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 5/7 2 इतना हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि नेट इफेक्ट क्या होगा, पहले कितना खरीदारी होता था टोटल मिला के, 330 का होता था, अब कितना खरीदारी हो रहा है टोटल मिला के, 275 का हो रहा है, तो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, हम क्या जानेंगे कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहले ज्यादा खरीदता था अब कम खरीद रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या करेंगे, आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे, और अगर नेगेटिव साइन हो रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव साइन हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हम आफ्टर माइनस बिफोर करेंगे तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है क्या, नेगेटिव हो रहा है, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, हम लिखेंगे क्या, डिक्रीज बाय व्हाट, कितना हो रहा है, 275 330 में से 275 गया तो कितना हो गया, 10 में 5 गया तो 5, 2 12 में 7 गया तो 5, 2 कट गया। ठीक है, इतना हो रहा है, अब कितना में से हो रहा है, अब क्या बताया, डिक्रीज कर रहा है, तो बड़ा वाला लिखते हैं नीचे, तो 330 हो जाएगा इंटू 100 परसेंटेज में लाने के लिए, 10 से 10 गया,
इलेवन थ्री जा 33, इलेवन फाइव जा 55, फाइव टेन जा 50/3, इट मीन्स वॉट, इतना परसेंट होगा ना 50/3%, 16 2/3%, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आई थिंक ये जो परसेंटेज चैप्टर है आपका लंबा जाएगा, मैथ्स का सारा चैप्टर मैं कवर करूंगा एक लॉन्ग टाइम में। रीजन ये है कि आप लोग वीडियोस देखो, पूरा वीडियोस देखो, एक दिन में आप दो चार देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा रहेंगे उतने ही बेटर समझता हूँ मैं, आपका प्रैक्टिस यहीं से होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन ए क्लास is 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are adults, find the percentage who are not adults. ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि जो रेशियो है बॉय एंड गर्ल का क्लास में कितना है, बॉय एंड गर्ल का रेशियो कितना है, 3:2। जब रेशियो में दे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जिस चीज का रेशियो देगा उसी को पैरेलल लिखते हैं। जैसे बॉय एंड गर्ल का रेशियो दिए, पैरेलल लिखे, इसका रेशियो 3:2 आ गया। अब क्या कह रहा है, अगर 20% इसमें से बॉय और 25% गर्ल एडल्ट है, तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट एडल्ट नहीं है टोटल में से। ठीक है, होल का मतलब क्या, टोटल। तो क्या बोला गया, 20% ऑफ एडल्ट आर होल, हम क्या करेंगे, ये क्या है टोटल, 3:2 में ही था। एडल्ट अगर हम निकाले, हम क्या निकाल रहे हैं, एडल्ट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या बोला, इफ 20% ऑफ द बॉयज आर एडल्ट्स, कहने का मतलब 3 × 20% का मतलब क्या होता है 1/5, हम क्या देख रहे हैं, डिविजिबल है क्या, नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा तो क्या होगा, हम एक जीरो आराम से बैठा सकते हैं। ठीक है, हम जैसा बता रहे हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, तो क्या हो जाएगा, एडल्ट 6 हो जाएगा। सेम इधर करेंगे, क्या हो रहा है, 20% में से क्या, 20 में से क्या बोल रहा है, 25% गर्ल्स एडल्ट्स हैं, तो 25% का मतलब 1/4, तो 20 × 1/4 यही होगा, 4 5 20, इट मीन्स क्या, 5 गर्ल्स एडल्ट हैं, तो नॉट एडल्ट्स कितने होंगे, कितने होंगे टोटल में से, एडल्ट्स को निकाल देंगे तो वही बचे नॉट एडल्ट्स, मतलब कितना हो गया, 30 - 6 कितना, 24 रेशियो, और 20 - 5 कितना, 15, इतना हो गया। अब बोला जा रहा है कि टोटल एडल्ट मतलब नॉट एडल्ट्स का परसेंटेज क्या होगा टोटल में, तो नॉट एडल्ट्स हम टोटल कितना देख रहे हैं, 24 + 15 कितना हो जाएगा, 34 + 39 हो जाएगा, बाय टोटल, टोटल कितना है मेरा, 30 + 20, टोटल में से बोल रहा है तो 30 + 20 50 हो जाएगा, और इनटू परसेंट में चाहिए तो 100, इतना हो जाएगा, 52 से 100 मीन्स क्या हो जाएगा, 39 to 78%, ये क्या हो जाएगा, नॉट एडल्ट्स
इन टोटल, यही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने पिछले काफी सारे वीडियो में आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ता हूँ वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बता दो, एक दिन ऐसा होगा कि मिसेलेनियस टेस्ट लिया जाएगा। जितना भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग टेस्ट देते रहना। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 क्या कहता है, कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। If 30% of the greater number is added to 30 and is equal to the smaller the कितना 20% of the smaller number added to 45। ठीक है, व्हाट इज स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर इज व्हाट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। बोलता है कि दो नंबर है किस रेशियो में, 2:3। हम मानते हैं कि नंबर वन और नंबर टू ये रेशियो है, ये नंबर्स हैं किस रेशियो में, 2:3। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि अगर 30% बड़ा वाला में, बड़ा वाला का 30% में 30 ऐड करेंगे वो बराबर होगा क्या छोटा वाला में 20% ऐड करेंगे कितना 45 से। तो ठीक है, तो पूछ क्या रहा है स्मॉलर नंबर क्या होगा। चलिए समझते हैं क्या होगा, हम क्या बोले कि मल्टीपल्स और डिविजर्स जहां पे हो वहां पे हम सीधा रेशियो प्रोपोर्शन जाते हैं, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है हमें x मानना पड़ता है। अगर हम यह x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें इसका 20% निकालना पड़ेगा 2 का स्मॉलर का, और इसका 30% निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा पेचीदा होगा। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं 10 बैठाते हैं, ठीक है, और इसके बाद x मान लेते हैं, मान लीजिए। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका कितना स्मॉलर का क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द स्मॉलर, तो 20% क्या हो जाएगा 20x into 20% is equals to what 1/5। ठीक है, 5 4 it means what 4x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 30x का कितना बोल रहा है 30% बोल रहा है, 30% बोल रहा है, इट मीन्स क्या 3/10, तो क्या हो जाएगा 0 0 गया, तो 3 3 9x ये रेशियो आ जाएगा। और बोल क्या रहा है, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 4x में ऐड कर देंगे, कितना स्मॉलर में ऐड करेंगे 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर में ऐड करेंगे कितना 30, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इट मींस क्या हो जाएगा 45 - 30 इज इक्वल्स टू व्हाट 9x - 4x, इट मींस 45 - 30 कितना 15 इज इक्वल्स टू 5x, 5 3 बार में गया इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू व्हाट 3। ठीक है, तो पूछा क्या इधर, स्मॉलर नंबर, देयरफॉर स्मॉलर इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना था स्मॉलर हमारा, पहला जो था वो स्मॉलर था 20x, 20x इट मींस व्हाट 20 × 3 इट मींस 60, ये हमारा आंसर होगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे, और नहीं आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ,
इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिलेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसमें हमारे हमें कॉन्टैक्ट करो, जितने भी डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं, अब आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।